जय हिंद साथियों, जितने सारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, अभी लगातार भर्तियां आ ही रही है। बिहार में विधानसभा सचिवालय में विभिन्न पदों पर भर्तियां ही है, साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी हर दिन कोई ना कोई भर्तियां निकाली जा रही है। और साथ ही साथ जो भर्तियां आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, बहुत बड़ी भर्ती 60,000 प्लस पदों पर, उसमें एज की भी छूट दी गई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक भर्ती आई है, फिर से आप देखेंगे और उसको आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। और ये देखेंगे, ये रही भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार की, ये देख रहे होंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की भर्ती है। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो अभी आपको हम दिखा रहे हैं, वो यहाँ पे है। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ये upppb.government.in पर ये उपलब्ध है। उसके बाद से आपको हम दिखाएंगे कि अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए बहुत अच्छा जॉब है के पदों पर ये सीधी भर्ती है। 2023-24 में उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर यहाँ पर ये पूरा उसका वेतनमान ये बताया गया है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसमें देखेंगे कि सीटों की सबसे पहले संख्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कब से ये फॉर्म अप्लाई होगा। तो यहाँ पर कैटेगरी वाई है, देखिए अनारक्षित में 381 को सीट है, ईडब्ल्यूएस के 91 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 249, अनुसूचित जात 193, अनुसूचित जनजात ये 16 हो गया। और ये टोटल जो योग है ये 930 पदों पर ये भर्ती है। आगे देखेंगे कि आखिरकार इसकी कब ऑनलाइन शुरू होगी। तो साथियों नए साल में लगातार बहुत सारी भर्तियां आपको और आगे भी देखने को मिलेगी। तो 7/1 से ये इसका शुरुआत है, फिर 28/1/2024 यानी इसका लास्ट डेट अंतिम तिथि क्या है 28/1/2024। और उसमें कुछ सुधार करना है दिखाया गया है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 30/12 है। तो ये मुख्य चीजें हो गई, बाकी आप ऑफिशियल साइट पर देखिए और फिर आप फॉर्म वो डेट इंतजार करिए जिस दिन आपको डालना है। यदि आपको ये ऑपरेटर बनना है, जितने सारे भाई देख रहे होंगे इस वीडियो को, यदि आपको ये पद आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे आपको जाना है और ग्रेड ए की नौकरी है, आप समझ रहे होंगे ग्रेड ए की नौकरी के बारे में, तो यदि आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसकी तैयारी में अभी से जुट जाइए, बाकी सिलेक्शन आपका पक्का होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।